नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिल्ली में G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आज से शुरू है। शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूरोपीय संघ के शीर्ष अधिकारी, आमंत्रित अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के भाग लेने की संभावना साफ तौर पर है। कई देशों के राष्ट्रीय प्रमुख दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने से इनकार कर दिया। ये पहली बार होगा जब चीनी राष्ट्रपति G20 समिट में भाग नहीं लेंगे। वहीं रूस के राष्ट्रपति ने भी संवेदनशील समय यूक्रेन के साथ तनाव और तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर सम्मेलन के लिए भारत आने में असमर्थता जता दी। ऐसे में भारत में G20 रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीन, आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेने पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना रहा। उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है, वो क्या कुछ कहती हुई नजर आई। वो कहती है कि शिखर सम्मेलन में कौन भाग लेगा ये उस व्यक्तिगत देश का निर्णय है। हम चीन और रूस के प्रतिद्वंदियों के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान, जैसा कि हमारे NSA ने कहा है कि आम सहमति दिल्ली घोषणा पर मुश्किल होगी, लेकिन ये असंभव नहीं है। हम समझौते को पूरी तरीके से करने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसे में चलिए आपको सुना देते हैं वो फर्राटेदार हिंदी में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना रहा। एक नजर इस वीडियो पर। आखिरकार कौन-कौन प्रतिबंधी भेजेंगे, वो हर एक देश का अपना फैसला है। जो भी प्रतिबंधी चीन और रूस भेजेंगे उनके साथ हम G20 में काम करना चाहते हैं। जैसे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने कहा, कंसेंसस तो मुश्किल होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि नामुमकिन है। हम कोशिश करेंगे कि हम अग्रीमेंट में ले। देखा आपने, शी जिनपिंग नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं ले रहे हैं और कोई भी एक बड़ा कारण बताने में विफल रहे हैं कि चीन उनकी जगह प्रधानमंत्री ली साफ तौर पर कियांग को क्यों भेज रहा है। ये सच है कि मई 2020 में सीमा पर हुई झड़पों के बाद से भारत के साथ चीन के रिश्ते ज्यादा ठंडे रहे हैं और ये भी संभव है कि चीनी सरकार ने संकेत भेजने के लिए राष्ट्रपति शी के बजाय प्रधानमंत्री ली किन्यांग को भेजने का फैसला किया है। पर चीनी सरकार ने कहा है कि वह इस समिट की सफलता के लिए सभी पक्षों के साथ काम करने के लिए तैयार है। इधर नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना है, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी साफ तौर पर समक्ष शी जिनपिंग की अनुपस्थिति शक्ति के वैश्विक संतुलन में महत्वपूर्ण बदलाव को भी दर्शाती है। ऐसे में जिस तरीके से अटकलें तेज होती जा रही हैं और साफ तौर पर ये अनुमान तमाम तरीके के लगाए जा रहे हैं दोनों देशों को लेकर, इसमें तमाम G20 की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।